लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और DM साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई जिससे उसको गोली लग गई। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला जो कि शामली का रहने वाला था के रूप में चिन्हित हुआ जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है जो कि बनारस का रहने वाला उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई है। शेष 12 पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है अंशु दीक्षित वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी सूचना भी देते हैं। अंदर पहुंचा कैसे? देखिए जांच का विषय है। जिला कारागार जो है इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा DM साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लिख के भेज रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। कौन सा असलहा बरामद हुआ उसके पास से जिससे गोली चलाई उसने? देखिए ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है वो कब्जे में ले रही है। जैसे डिटेल मिलेंगे फिर आपको बताएंगे। तो घटना के तो 2 घंटे हो चुके हैं। कौन सा असलहा था क्या?